एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो ये सेशन है गाइस आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, जिसमें हम लोग रेगुलरली अपनी जो लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर है उसको हम लोग यहाँ से कवर कर रहे होते हैं। सो मूविंग अहेड, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज के लेसन को भी कवर करेंगे। एंड आई होप कि मैं ऑडिबल एंड विजिबल आप लोगों को प्रॉपरली हो रही होंगी। सो वंस लेट मी नो कि ऑडिबल विजिबल इज ओके टू यू और नॉट। बताइए एक बार कि ऑडिबल विजिबल सबको अच्छे से हो रहा है क्या? ग्रेट। सो मूविंग अहेड गाइज, इसकी जो टेलीग्राम पे आपको इसकी सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, यू ऑल गेट द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल दैट इज स्टडी आईएएस। तो स्टडी आईएएस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। 4-in-1 ऑफर अवेलेबल है, यानी कि अनअकैडमी की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही कभी होगा दोबारा कि मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप अभी लेते हैं सो यू विल गेट द 3-4 months एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। एंड याद रखिएगा, इस प्रीलिम्स की मेंस की और नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी आपकी सुपर मैनर में हो जाएगी। साथ के साथ गाइस 20 बुक्स आपको मिलेंगी, जिनकी वर्थ 10,000 रहेगी, वो फ्री आपको मिलेंगी। हाय एवरीवन। इसके अलावा गाइस यू कैन टेक द लोन फ्रॉम अनअकैडमी एज वेल। तो लोन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड उसपे आपको जस्ट फिल करना रहेगा हमारा कोड दैट इज स्टडी आईएएस एंड 10% डिस्काउंट के लिए भी आपको यही कोड यूज करना रहेगा। गाइस 27 अप्रैल है आज, तो आज और कल से 2 ही दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, तो बिना किसी देरी के जल्दी ले लीजिए। लोन में आपका कोई इंटरेस्ट रेट, कोई प्रोसेसिंग फी जो है वो नहीं रहने वाली। 2 मई को कॉम्बेट होने वाला है, 60 मिनट्स में यू विल सॉल्व द 60 questions, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप यू कैन विन। मॉर्निंग 11 AM रहेगा, सो इनरोल के लिए यूज कीजिए हमारा कोड दैट इज स्टडी आईएएस। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। वंस लेट मी नो कौन कौन है। हाय स्मार्टी, शो बच्चन, एस के, रमनप्रीत, गुड मॉर्निंग जहांगीर, गुड मॉर्निंग चंदन, गुड मॉर्निंग यू टू एज वेल एंड अक्षर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एनवायरनमेंट का करंट अफेयर हम कर रहे हैं। सबसे पहली एक न्यूज अपने सामने आ रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। गाइस हमने जो कल वाली क्लास की थी और आज वाली जो क्लास की है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अभी तक के उसमें एक बार चेक कर लेना, दोबारा जिसकी रह गई हो वो भी करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसेंटली इंडिया को पहला नंबर मिला है ऑर्गेनिक फार्मर में, किसके हिसाब से? वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का पहला नंबर जो इसमें आया है। स्टेटस की हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 30% ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में से। पूरे वर्ल्ड में जितने हैं ना उसमें से हमारे यहाँ पे 30% ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है और इस लेवल में हमारा जो नंबर आया है वो 9th rank आया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, यानी कि 9वें नंबर पे हमारा रैंक जो है वो चल रहा है। हाय रजत, गुड मॉर्निंग। 2.59% इतना हमारा कल्टीवेशन एरिया है। सो गाइस पता है क्या करना है आपको कि इसमें एक दो डाटा है वो इतना ज्यादा याद नहीं करना, लेकिन ये डाटा जरूर करना है कि 30% ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है अपने यहाँ पे और 9th rank अपना आया है। तो ये दो चीज जरूर से जरूर आपको रखनी पड़ेंगी याद। मेजर अपने यहाँ से हम किसकी चीज का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्लैक्स सीड, सीसम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट, राइस, पल्सेस एटसेट्रा। और ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है कि सिक्किम जो है वो पहला पूरी तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट बना था वर्ल्ड के अंदर, अपने इंडिया में सिक्किम इज द फर्स्ट। सो पीसीएस अगर दे रहे हो तो ये पूछ लिया जाएगा कि विच स्टेट इज द मतलब ऑर्गेनिक, उसमें ये पूछ लेंगे तो यू हैव टू टेल कि सिक्किम जो है वो था। क्लियर एवरीवन, इतनी बात समझ में आई? नाउ लेट्स मूव ऑन, व्हाट इज एक्चुअली द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक तरीके का ना प्रोडक्शन सिस्टम होता है जिसके लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स, मतलब ऑर्गेनिक मतलब बहुत ही ज्यादा प्योर चीजें ना, नेचर से संबंधित चीजें अपने यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इसमें किसी पेस्टिसाइड्स का या फिर फर्टिलाइजर्स का, रेगुलेटर्स का, इन सब का हम लोग यूज नहीं करते, जिससे अपना एनवायरमेंट जो है वो सेफ गार्ड रहता है। फाइन, ये क्रॉप रोटेशन पे फोकस करते हैं, मतलब अब बार बार क्रॉप को चेंज करते रहो, रेसिड्यू का यूज करो, जैसे स्टबल बर्निंग ना रहे उन सब का यूज करो, है ना? रानी मुझसे तो फोन आया था, एनिमल मैन्योर्स का, इन सब को यूज करते हुए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। सो हाय राजवीर, गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? इसके लिए सरकार के कदम की बात हम लोग कर रहे थे।
एक योजना आई थी परंपरागत कृषि विकास योजना, किसके तहत आई थी ये चीज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, जिसके तहत हमारा उद्देश्य ये था कि जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो जाए। फाइन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए हुई और इसके लिए प्लेटफॉर्म भी आया जैविक खेती फॉर डायरेक्टली लिंकिंग फार्मर। अब एक चीज याद रखिएगा गाइज कि एग्रीकल्चर वाला जो आप एरिया कर रहे हो ना, एग्रीकल्चर की न्यूज, उसमें भी ये चीज आपको न्यूज में काम आएगी। सो एग्रीकल्चर के लिए भी इसे कवर कर लेना। अब हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या क्या है। एक तो देखो, आप बार बार क्रॉप रोटेट कर रहे हो, बार बार क्रॉप का यूज कर रहे हो तो सोइल इरोजन नहीं रहता, ठीक है, नाइट्रेट लीचिंग नहीं होते ग्राउंड वाटर के अंदर, सरफेस वाटर के अंदर। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका जो लेवल है वो बना रहता है। सोइल की जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी का मतलब होता है कि जो उसकी उपजाऊ क्षमता होती है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहती है। उसकी जो ऊपर की शेल्फ लाइफ होती है वो मतलब पूरी प्रॉपर जो है रहती है। सो अभी ये बताइए, क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक सबको? एवरीवन इज क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी बताओ एवरीवन। ग्रेट। इसके अलावा कुछ इसके नुकसान भी होंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था तो इसमें डिक्लाइन भी हुआ। जैसे पेस्ट अटैक का हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया, पेस्ट जो है उन सब चीजों का यूज किया है ना। इनपुट जो आया जैसे मैन्योर वगैरह है ऑर्गेनिक, वो कितनी महंगी आती है। अब आप लोग देखो ऑर्गेनिक मेडिसिन कितनी महंगी आती है, मार्केट भी इसके लिमिटेड है, लेबर भी इसके लिए जो है ज्यादा चाहिए। सो गाइज ये आर्टिकल था ओके इसके, ये आर्टिकल था काफी इंपॉर्टेंट जो हमने अभी शेयर किया, ठीक है। सो मूविंग अहेड नेक्स्ट कर रहे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF। ये आपका ये लगा लो कि डेफिनेटली क्वेश्चन एक ना एक तो बनेगा ही बनेगा, चाहे PCS में बने, चाहे UPSC में बने या UPSC के द्वारा कंडक्ट किए गए किसी भी एग्जाम में बने, तो ZBNF से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। अब ये है क्या चीज, एक नई स्टडी आई थी ZBNF से रिलेटेड, जिन्होंने बिग गेन्स जो आंध्रा फार्मर्स को फायदा हुआ था इससे रिलेटेड। एक्चुअली में ये एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर होता है, यानी कि एक एग्रीकल्चर का तरीका होता है जिसके चलते हमारे जो कमर्शियल एक्सपेंडिचर होते हैं वे नहीं होते, और जो प्लांट होते हैं ना उनकी असल में ग्रोथ हो जाती है, रूट जोन से रिलेटेड हम उसकी ग्रोथ करते हैं और हमारे खर्चे भी जो है वो यहाँ से कम रहते हैं। फाइन, राजवीर, रजत, अक्षर, जहांगीर, प्लीज बताइए गाइस क्लियर है क्या चीजें एवरीवन। इसके अलावा इस न्यूज के बारे में हल्का फुल्का कर लेते हैं कि एक तो ZBNF और नॉन ZBNF आपको टेक्निक्स को यूज करना रहेगा। हम लोग पैडी और ग्राउंडनट वाली जो क्रॉप्स रहती है उनमें टेक्निक का यूज करते हैं, उसमें 6 पैरामीटर्स को हम कंपेयर करते हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किस क्रॉप के लिए ZBNF वाली क्रॉप के लिए या नॉन ZBNF के लिए कितने ज्यादा वाटर की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, एनर्जी कंजम्पशन की है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ओके ओके सैम, ठीक है आकाश, इट्स क्लियर टू यू, थैंक यू। एंड जस्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, अपना तो काम करिए आप लोग। यहाँ पे सेव कर, बस ZBNF का उद्देश्य है कि पैड़ी की क्रॉप को सेव करना, उसकी ग्रोथ अच्छी करना, कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन हमें प्राप्त करना, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल रखना, उसको इवन रिड्यूस करना, कम से कम यूज करना। फाइन, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो बात की गई। तो मैंने आपको वही बता दिया कि जो हमारी देसी प्रैक्टिस होती है वहीं से हम एग्रीकल्चर को ड्रॉ करते हैं। महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरिस्ट है और नेबर सुभाष पालेकर, उनके द्वारा जो है इस शुरुआत में इस चीज को स्टार्ट किया गया। ओके, एंड 2019-20 के बजट में भी इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। ये प्रमोट करता है सोयल एरिएशन को, मिनिमल वाटरिंग, वो सब चीजें यहाँ पे रहती है। एक चीज होती है गाइस सोयल मल्चिंग, ये पता क्या होता है? अब आपको ना प्री में एक स्टेटमेंट मिल सकती है इससे, सोइल मल्चिंग क्या है, ये आपके ZBNF का ही अंदर इसमें चीज आती है। इसमें ना एक ऐसा क्लाइमेट बना दिया जाता है जिसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं, और उनके डेवलप का जो टेम्परेचर होता है ना, जो एक मिनट ये बताओ, जो कीटाणु होते हैं, हम जैसे नॉर्मली कीटाणु या छोटे जो सूक्ष्म जीव बोल रहे हैं, वो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी पनपते हैं। ये बात तो सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। सो
जो कीटाणु है वो 25 से लेके 32 डिग्री का जो सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा उसमें पनपेंगे। फाइन, वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खाद को, उस मेन्योर को बहुत ही अच्छा बना देंगे, समझ रहे हो? उस सोय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सोयल को अच्छा बना देंगे, सो दैट ग्रोथ अच्छी होगी, सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कंजर्व करेंगे सोयल की, कूल इट प्रोटेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मल्चिंग प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन में, सप्रेस करते हैं वीड को और मेंटेन करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप को। अगर किसी जगह पे आप लोग इसकी यूज कर रहे हो ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, हाय नरेंद्र, तो वहां पे क्या होता है कि जो क्रॉप को पानी की जरूरत होती है वो कम हो जाती है। सो एक बार बताइए, सबको क्लियर है ये वाला आर्टिकल? एवरीवन, इट्स क्लियर टू यू एवरीवन? अब ये चीज ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिर ये मत कहना कि हमें तो नहीं आता, इसलिए बताओ कि क्लियर हुआ इतनी वाली बात सबको। बताइए, क्लियर? ओके, एक नई चीज आ रही है, एक्वापोनिक सिस्टम। अब ये क्या है भाई, एक्वा से तो आप लोग समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ पानी से चीज रिलेटेड होने वाली है। रिसेंटली एक पायलट जो है वो एक्वापोनिक फैसिलिटी डेवलप की गई बाय द सेंटर, ताकि हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मोहाली के अंदर, मोहाली है पंजाब में, पंजाब के अंदर इस टेक्निक को जो है इनोग्रेट किया गया। अब ये चीज देखो देखने में इतनी अच्छी लग रही है, यानी कि जैसे ये देखो वाटर टैंक है और इसमें फिश है, एक्वेरियम जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, एक्वेरियम। इसमें क्या होगा, इस एक्वेरियम को इस तरीके से रख दिया जहां से फिश के अंदर ना अमोनिया होता है, और अगर हम उस अमोनिया से क्रॉप को ग्रो करते हैं ना तो उसके अंदर से जो बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इससे क्या चीज हुई कि जैसे नीचे हमने फिश टैंक रख दिया, अमोनिया रिलीज हुआ, क्रॉप ग्रो करी, नाइट्रेट बना, इससे आगे और क्रॉप ग्रो करी एंड देन क्रॉप ग्रोज हो गई, ठीक है। अब प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट एमिट कर रहे हैं, क्या करेंगे प्लांट, नाइट्रेट एमिट कर रहे हैं, नाइट्रेट मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं नाइट्रेट को, फिर उसके अंदर जो पानी होगा, प्लांट्स के अंदर जो पानी होता है वो वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फिश से जो अमोनिया निकला उसे क्रॉप ग्रो करी, बैक्टीरिया अमोनिया में बदल गई, फिर वो नाइट्रेट में बदल गई। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं दे आर एब्जॉर्बिंग, प्लांट्स एब्जॉर्ब अमोनिया, इस वर्ड को याद रखना, सभी याद रहेगा, एक बार लिखो कमेंट सेक्शन में, प्लांट एब्जॉर्ब अमोनिया लिखिए प्लीज एक मिनट के लिए। सो फिर वो जो अमोनिया है या वाटर है वो वापस से अमोनिया में मिक्स हो जाएगा, तो वाटर लॉस नहीं होगा, क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। एक्वापोनिक एक तरीका होता है एग्रीकल्चर का, जो कि कंबाइन करता है रेजिंग फिश इन द टैंक, रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर विद अ सोइललेस प्लांट कल्चर हाइड्रोपोनिक्स। ओके, यू विल लर्न टू वर्ड्स, एक चीज रहती है एक्वापोनिक्स, जिसमें आप लोग पानी का यूज करेंगे, सोयल प्लस वॉटर रहेगा, और एक वर्ड होता है हाइड्रोपोनिक्स, ये हम आगे करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि वॉटर लेस क्रॉप आप लोग यूज कर रहे हो तो वॉटर लेस होती है ये। एक्वापोनिक में न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है जो कि फिश से लिया जाता है, और न्यूट्रल नेचुरल फर्टिलाइजर के तहत हम लोग प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं और प्लांट्स हेल्प करते हैं जो वाटर है वो प्योरीफाई हो जाए फिश के लिए, वो वहां से अमोनिया जो है वो रिलीज हो जाए, क्योंकि वो अमोनिया एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लिखो एक मिनट के लिए, प्लांट्स एब्जॉर्ब अमोनिया, लिखा नहीं आप लोगों ने? आई जस्ट मीन टू से कि जो एक्वापोनिक होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है वो फिश से लिया जाता है, यानी कि जिसमें अमोनिया होता है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर के थ्रू प्लांट्स को दिया जाता है, और प्लांट्स जो है वो उस पानी को प्योर कर देते हैं क्योंकि वो अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फाइन, एक्वापोनिक सिस्टम के अंदर 90% कम पानी यूज होता है वर्सेज द ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो हम नॉर्मली फार्मिंग कर रहे हैं उसके कंपेरेटिव एक्वापोनिक में हम लोग कम पानी का यूज करते हैं। तो पानी की जो समस्या है अपने यहाँ पे स्पेशली पंजाब हरियाणा वाले रीजन के अंदर, वहां से वो चीज खत्म हो जाती है। यस, एसके एंड चंदन, ग्रेट जॉब। राजवीर सैम, आप लोग कब करेंगे?
और हाइड्रोपोनिक का मतलब वो होता है कि पानी इन वाटर यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट द सोयल, बिना सोयल के, सॉरी मैंने आपको वाटर बोला था, तो बिना सोयल के आप लोग ग्रोइंग फूड इन वाटर में आप जो है खाना उगाइए मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से बिना किसी सोयल के। एक और वर्ड होता है एरोपोनिक्स, जिसमें अंदर कोई ग्रोइंग मीडियम नहीं होता और कोई कंटेनर नहीं होता ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, इन्वॉल्व इन द मिस्ट और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर। और एरोपोनिक्स में पानी यूज नहीं होता, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस वगैरह वही यूज होते हैं। अब सुनो मैं आपको एक स्टेटमेंट बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिलेगा, एरोपोनिक्स रिक्वायर्स excess amount of water for growth of crop, ठीक है, for growing crop या कैसे भी कुछ भी मिल सकता है आपको। दूसरी चीज में आपको मिलेगा hydroponics require less amount of water with high demand of soil। तो दोनों स्टेटमेंट सही लग रही है क्या आपको, बताओ एक बार, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट? एरोपोनिक्स के अंदर आपको पानी की जरूरत नहीं होती, वहां पे आप न्यूट्रिएंट्स से कर लेते हो, और हाइड्रो उसके अंदर आपको सोइल की जरूरत नहीं होती, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएंगी, बोथ आर द रॉन्ग। हाइड्रोपोनिक का फायदे क्या क्या होते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। कि ग्रो आउट ऑफ सीजन में भी आप लोग कर सकते हो, ये देखो जैसे शेड इन्होंने लगा दिया ना, तो बिना सीजन की भी जो चीजें ग्रोथ होती है ना वो इसी तरीके से होती है। ग्रो एट पीरियड ऑफ लोएस्ट सप्लाई बेस्ट प्राइसेस होते हैं, यानी कि जब सप्लाई कम हो रही हो किसी चीज की तो उस समय पे तो ये बेटर सॉल्यूशन जो है वो रहता है अपने पास। हायर क्रॉप यील्ड हमें मिलती है, छोटे एरिया में हम बहुत सारी स्पीसीज जो है वो उगा सकते हैं। प्लांटिंग लिमिटिंग ओनली बाय अवेलेबल लाइट तो देखो जरूरी चाहिएगी, और ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा। एक नया आर्टिकल आपके सामने आ रहा है, वर्टिकल फार्मिंग। गाइज अब मैं आपको इसके अंदर एग्रीकल्चर की न्यूज भी कवर करा रही हूँ, और जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो इसे करो अच्छे से, लीव मत करो। ओके, वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है कि जब हम वाटर पंप की हेल्प से फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड इन वर्टिकली स्टैक्ड लेयर्स में और वर्टिकली इंक्लाइंड सरफेस, मतलब कुछ इस फॉर्म में हम लोग कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मली हॉरिजेंटल नहीं होती, वो वर्टिकल की फॉर्म में होते हैं। क्रॉप जो है वो आप अपने घर में उगा सकते हो, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन ऑफ द लाइट और टेम्परेचर इसमें उगा सकते हो, सोइल की जरूरत कम रहती है, जैसे हाइड्रोपोनिक और इनमें होती है सोइल की जरूरत कम रहेगी, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, ओके, देखो जब आप पानी के अंदर, हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी होता है ना, तो पानी के अंदर जब हम खेती कर रहे हैं, जब हम फूड उगा रहे हैं, जब हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, लेकिन उसके लिए न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, मिनरल, विदाउट द सोइल नहीं होगी, सोइल इतनी नहीं जरूरत होती, विदाउट का मतलब है बिल्कुल खत्म नहीं, मतलब कम सॉइल की जरूरत रहेगी, लेकिन मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस अपने पास रहेगा, उसको यूज करके हम लोग खेती कर सकते हैं, फाइन। एरोपोनिक में इसके अंदर आपको मतलब क्या होता है कि पानी की बजाय आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए होता है, मतलब हवा चाहिए होती है, हवा अच्छी हो और उसके हिसाब से हम लोग खेती कर सकते हैं, वो आएगा आपका एरोपोनिक्स में, ठीक है। अब हाइड्रोपोनिक में क्योंकि आपको वो सॉइल नहीं चाहिए, अब एक चीज ये बताओ, जो वीट की क्रॉप है वो तो सर्दियों में ही बनेगी, है ना, क्यों, क्योंकि सर्दियों में जो सॉइल की मात्रा है, फर्टिलिटी है, वो कुछ वैसी तरीके से हो जाती है, फाइन। और मतलब जो आपकी दूसरी क्रॉप रहती है, जैसे पैडी की क्रॉप रहेगी, वो आपकी गर्मियों में ही ज्यादा चीज होगी, तो ये फायदा है कि विदाउट सीजन भी इन चीजों की ग्रोथ हो सकती है। अब क्लियर हो गया? हाँ सूर्य, बिल्कुल ठीक है, यू आर वेरी लेट, टाइम से आओ ना, आज काफी इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम लोग सारी एनवायरनमेंट की न्यूज कवर कर दें, कल से हम एक नया सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, फाइन। सो बी हेल्प करो एंड जल्दी से खत्म करवाओ आज ही, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना है हमें, प्री आ रहा है। वर्टिकल फार्मिंग समझ गए, जब हम लोग लेयर्स के अंदर ग्रोथ करते हैं, एक के ऊपर एक कुछ वैसे चीजें करते हैं, तो वो चीज आपकी वर्टिकल फार्मिंग होती है।
वर्टिकल फार्मिंग जैसे हाइड्रोपोनिक के अंदर पानी के ऊपर खेती इस तरीके से हम लोग करेंगे, एंड ग्रोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वगैरह, फ्री ऑफ सॉइल, एक लाइन देखी मिल सकती है, हाइड्रोपोनिक्स आर द फ्री ऑफ सॉइल। हाँ भाई ये सही है बात, ठीक है चलो। एडवांटेज वर्टिकल फार्मिंग की क्या रहेगी कि एक तो हम 300 कैन यील्ड 390 टाइम्स हायर फूड पर स्क्वायर फुट व्हाइल यूजिंग 95% लेस वाटर देन द ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर मेथड। जो हम नॉर्मली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड यूज कर रहे हैं उसके कंपेयर में हमें 95% पानी की कम जरूरत रहेगी, ठीक है कम जरूरत रहेगी। नहीं ज्योग्राफी करेंगे कल, कल से ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स हो जाएगी, नॉट टू वरी, ठीक है। अरे नहीं सूर्य कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। सो प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट मिल सकती है कि वर्टिकल फार्मिंग में आपको ज्यादा पानी की जरूरत होती है कंपैरेटिवली उधर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड। तो प्लीज बी रिमेम्बर गाइस, फायदा क्या हुआ अगर हमें ज्यादा पानी की जरूरत हो गई, ठीक है तो कम पानी की जरूरत होती है। क्रॉप्स आर नॉट सब्जेक्ट टू सीजन हेंस इट गिव हाई प्रोडक्टिव ईयर अराउंड। वही बात है कि क्रॉप सीजन के हिसाब से नहीं, अब बस सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ग्रोथ होगी। पेस्टिसाइड फ्री है, ऑर्गेनिक फूड जो है वो यहाँ से बनेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। हैंडल फ्यूचर फूड डिमांड्स वगैरह सारी यहाँ पे चीज रहेंगी। चैलेंज ऑर्गेनिक जो दवाइयाँ भी आती हैं वो भी कॉस्टली आती हैं, ठीक है तो कॉस्ट इनकी अच्छी आएगी, महंगी होंगी अभी, कॉस्टली पॉलिनेशन होगा, हाई लेबर कॉस्ट रहेगी और टेक्नोलॉजी पे हम लोग रिलाई करें। और आपको इस बात का भी पता है कि किसान इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं करते, पावर लॉस जो है मतलब टेक्नोलॉजी पे इतना रिलायबल नहीं रहते, जैसे हम स्टबल बर्निंग के केस में भी देखा था हमने। सो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स अ गुड मेथड। इज दैट क्लियर? हम नेक्स्ट न्यूज पे चल रहे हैं तो अभी तक का क्लियर है सबको? ये जो अभी हम 3-4 आर्टिकल करके आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेट है एक दूसरे से लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे सामने आ रहा है क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क CAF 2.0। ये पहले तरीके की कुछ फ्रेमवर्क है क्लाइमेट से रिलेटेड पैरामीटर से। 2019 में ये चीज जो है शुरुआत में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, ये जो चीज है वो लॉन्च हुई थी। इसमें सिर्फ इतना है इंडियन सिटीज के लिए क्लियर रोड मैप बनाना, यानी कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट कर सके, प्लानिंग करें एक्शंस के लिए बिना विद इन मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसी में ही हम क्लाइमेट चेंज के लिए मतलब बातें यहाँ पे कर सके। कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग और डेवलपमेंट साथ में चलती रहे। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये होता है जिसको हम नॉर्मली ग्रीन इकोनॉमी भी बोलते हैं कि जब आप फैक्ट्री भी बना रहे हो फैक्ट्री के निकलने वाले जो स्मोक आ रहा है उसका भी आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल रहे हो। अरे क्या वन सकें, क्या टॉपिक बताया करो, जल्दी टॉपिक मेंशन कर दिया करो। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ 5 कैटेगरी रखी गई, जैसे एक तो एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का आर्टिकल शायद मैंने कल करवा दिया, अगर नहीं हो तो आज हो जाएगा, ये वाला आर्टिकल अब समझ में आएगा। अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर, बायोडाइवर्सिटी, आपको पता ही है इन चीजों को सॉर्ट आउट करना। मोबिलिटी, एयर क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारे क्लाइमेट चेंज के 5 फ्रेमवर्क रहेंगे। इज दैट क्लियर? प्लीज टॉपिक बता दीजिए, ये आप करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, बस एक सेकेंड इतना सा है कि 2.0 और 1.0 में क्या फर्क है कि इंडिकेटर्स अच्छे हो जाते हैं विद द फीडबैक फ्रॉम सिटीज के हिसाब से, अच्छी आसानी होती है, ईज ऑफ लिविंग होती है, पोर्टल फॉर डाटा एंट्री के लिए भी आसानी से जो है वो मिल जाता है, फाइन। हाँ ये रहा वो ग्रीन बिल्डिंग, ये रहा आर्टिकल ग्रीन बिल्डिंग। ऑनरेबल जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर वेंकैया नायडू, प्लीज आपने टॉपिक नहीं बताया राजू, बताओ मैं आगे मूव ऑन कर, टॉपिक बताओ टॉपिक। ग्रीन बिल्डिंग, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जो अपने इंडिया के हैं उन्होंने इनोग्रेट किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2020। ये आप कुछ देख रहे हो मतलब बिल्डिंग है इधर एंड इसके इधर जो आपको पूरे ग्रीनरी जो है वो दिखाई पड़ रही है ना, ये इस तरीके से। ग्रीन बिल्डिंग होती क्या है? एक वो बिल्डिंग जिसका जो डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट को एलिमिनेट करे या रिड्यूस करे, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे ऑन अवर क्लाइमेट और नेचुरल एनवायरनमेंट में। जैसे आप लोग एनर्जी का यूज करो, आप लोग वाटर का यूज करो, दूसरे रिसोर्सेज का करो, ठीक है हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, जैसे अपना भी टारगेट भी है,
रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना, कितना अचीव करना है और कौन सा टारगेट ईयर है अपने, बताओ एक बार, कौन सा टारगेट ईयर। चलो कोई बात, पॉल्यूशन और वेस्ट रिडक्शन मेजर्स को अडॉप्ट करना, भाई जो वेस्ट आपके घर से निकल रहा है, आपकी फैक्ट्री से निकल रहा है, उसको कम भी करो और उसको सॉल्व करने के उद्देश्य भी आप जानो। अब जैसे हम कितनी बड़ी बड़ी सिटीज है उनमें देख रहे हैं कि एक पूरा बड़ा एरिया जो है मतलब वेस्ट के लिए उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। जैसे आप दिल्ली में जाते हो ना, दिल्ली में एंट्री करते हैं तब भी हमें एक वो देखने को भी मिलता है, उस जगह का नाम मुझे नहीं पता वो क्या बोलते हैं, कि स्पेशल एरिया है जो सिर्फ कूड़े करकट के लिए। अरे वहां से एनवायरमेंट भी तो पोल्यूट हो रहा है, ऑल्दो दैट इज गुड वन, मतलब है कि डंप्ड होगा लेकिन एनवायरमेंट भी हो रहा है। इसके लिए हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रीयूज करें, चीजों को रिसाइकल करें, ये सब इनका उद्देश्य जो है वो था। एक नया एक आर्टिकल है आपके सामने, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC, ये क्या है भाई? हाय आनंद, ओके। ये जो ECBC है ना वो 2007 में लॉन्च किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। मेन उद्देश्य इसका ये था कि एनर्जी एफिशिएंट जो डिजाइन रहेंगे या बिल्डिंग्स की जो कंस्ट्रक्शन रहेंगी उनके कम से कम जरूरत रहे, मतलब एनर्जी एफिशिएंट की। 2017 में इसमें अमेंडमेंट किए गए और एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो ला दिए गए। ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस इतना है कि एनर्जी यूज आप 2030 तक कम कर दो, कोशिश ये रहेगी उनको हम यूज करें। यू कैन स्किप दैट वन। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है गैस लीक एट विजग। विजग एक जगह है, विजग मतलब वाइजैग बोल सकते हो आप इसे, ये विशाखापट्टनम के अंदर है, वहां पे गैस लीक हुई थी। न्यूज में ये इसीलिए आई कि वहां गैस लीक हुई थी। गैस कौन सी थी भाई? स्टायरीन गैस ये लीक हुई थी विशाखापट्टनम की बेस्ड LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में से, जिसकी वजह से कई डेथ जो है वो हो गई थी। ये एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर था जो कि अक्सर न्यूज में आता रहता है और ये फिर से जो है वो कंट्री में देखने को मिला। सो वंस लेट मी नो एवरी सिंगल न्यूज इज क्लियर टू यू। इस न्यूज में हमने ये जाना है कि व्हाट इज अ स्टायरीन गैस, स्टायरीन गैस क्या है उसके बारे में वी हैव टू नो अबाउट दिस वन। स्टायरीन गैस ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि जैसे प्लास्टिक है, रेजिन्स है। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। इनको बनाने में यूज आती है, मैन्युफैक्चर होती है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज वगैरह में, और जो आप लोग पॉलीमर बना रहे हो, प्लास्टिक बना रहे हो, रेजिन्स बना रहे हो, इन सब के लिए जो है वो ये यूज होती है। एक्चुअली एक कलरलेस लिक्विड और गैस, कलरलेस लिक्विड होता है, कोई गैस नहीं होती। अब एक और चीज याद करो, कल की क्लास में मैंने आपको जितनी गैस आपके वन ईयर में न्यूज में आई थी ना उसको इकट्ठा एक क्लास के अंदर आपके लिए यूज किया था। सो कल वाली क्लास में जितने हमने मिथेन हाइड्रेट, हाइड्रोजन और आपका और भी कई सारी गैस करी थी उनको भी पढ़ना और ये वाली गैस को भी पढ़ लेना। इंडिया के हिसाब से स्टोरेज और इंपोर्ट जो एक एक्ट बना था 1989 के अंदर, उसमें स्टायरीन को हैजार्डस और टॉक्सिक केमिकल जो है वो क्लासिफाई कर दिया था। ये बोला था कि जो स्टायरीन गैस है वो बहुत ही टॉक्सिक है और ये खतरनाक है, हैजार्डस है। फाइन, अब आपको स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि स्टायरीन गैस इज वेरी सेफ टू यूज एंड इज नॉट अ गैस, इट्स अ कलरलेस लिक्विड। ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, सो बी रिमेम्बर, नॉट सेफ टू यूज, अनस्टेबल है, हाई प्रोपेंसिटी चाहिए इसके ऑटो पॉलीमराइजेशन के लिए, एंड इसके टेम्परेचर करीबन हमें 65 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर चाहिए, तो आपको स्टोर करने के लिए ना मतलब। ओके, सो अगर एक चीज और याद रखना कि आपसे ये आ जाए कि स्टायरीन गैस जो है वो कूल टेम्परेचर के अंदर स्टोर की जाते हैं, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि जब 65 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है तब ये चीज जो है स्टोर होती है। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, और स्टायरीन जो है वो लो टेम्परेचर पे। अरे अच्छा सुनो एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है कि इट इज अनस्टेबल एंड हाई प्रोपेंसिटी फॉर ऑटो पॉलीमराइजेशन, मीनिंग इट ट्राइज टू कंबाइन विद इटसेल्फ टू मेक लॉन्ग चेन एस्पेशली एट टेम्परेचर। हाँ, जब इसको लॉन्ग चेन में यूज करते हैं तो 65 डिग्री है वो समथिंग, ये चीज इसको जो स्टोर करते हैं वो लो टेम्परेचर पे करते हैं, करीबन 15 से 20 डिग्री का सेल्सियस का जो टेम्परेचर होगा उस चीज पे, उस टेम्परेचर पे हम इसे स्टोर करते हैं। तो ये वाला याद करना आप लोग, ये वाला पॉइंट याद करना।
डेंजर क्या क्या है? एक तो ये कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक मतलब होता है जो कैंसर कॉजिंग होता है ना वो वाला। हाय विश्वा जी, उठ गए, गुड मॉर्निंग। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस मतलब जो कैंसर कॉजिंग होता है, ये ऑक्सीजन के रिएक्ट करके हवा के अंदर म्यूटेट कर सकता है इनटू स्टायरिन डाइऑक्साइड बना सकता है, जो कि ज्यादा घातक होता है। मतलब अगर ये गैस प्लस ऑक्सीजन हो गई ना, तो जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, सेम एज दैट स्टायरिन डाइऑक्साइड ये बन जाएगा, और वो तो बिल्कुल घातक जो है वो होता है। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर स्टायरिन गैस हवा में रिलीज हो गई, तो हवा में ऑक्सीजन तो है, उसमें ये मिक्स हो जाएगी, तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ? ये वाली गैस इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ो अच्छे से। एक्यूट एक्सपोजर टू इन ह्यूमन रिजल्ट जो है म्यूकस मेम्ब्रेन और आई इरिटेशन और गैस इंट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करेगा। अगर अमाउंट जो है वो 800 ppm के भी ज्यादा हो जाए, तो पर्पस जो पर्सन है वो कोमा में भी जा सकता है, तो ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। ओके, मूविंग अहेड, फॉरेस्ट फायर क्या होते हैं? फॉरेस्ट फायर, अब आपको पता है कि हर साल यूके में और हिमाचल में हर साल लगती है फॉरेस्ट फायर। इसके अलावा इस साल हम ओडिशा में भी देख पाए हैं कि ओडिशा में भी हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया कि अब हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में कोई फॉरेस्ट फायर आगे से ना हो, और वो देखेंगे एक्चुअली में होता उनसे ये इनके कारण होते हैं, पॉल्यूशन का होना, टेम्परेचर का बढ़ना, क्लाइमेट चेंज का होना, ये सब कारण इसके रहते हैं कि जब फॉरेस्ट फायर होती है। इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से करीबन हर साल हम लोग जो है, या 2019 के हमने 30,000 ऐसे इंसिडेंट देखे थे जहां पे फॉरेस्ट फायर हुई थी, और करीबन इंडिया के हिसाब से हम देखें तो 43% ऐसी हैं जो ओकेजनल फायर होती रहती हैं, और 5% जो है वो फ्रीक्वेंटली चलते रहते हैं। अमेजन के हुए, ऑस्ट्रेलिया वाले हुए, यूके और अपने क्या बोलते हैं हिमाचल में हर साल होते हैं। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। नेक्स्ट है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम लोग CDRI के नाम से जान रहे हैं। व्हाट इज दिस वन? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक CDRI का इवेंट हुआ था, तो उस चीज को एड्रेस किया था। CDRI क्या है भाई? ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, यानी कि पूरे विश्व भर से यहाँ पे लोग आते हैं, हर देश की गवर्नमेंट आती है और उसकी पार्टनरशिप होती है। UN एजेंसी प्रोग्राम, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ये सब मिक्स होके इन्होंने CDRI का एक मतलब क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बना दी। 2019 के अंदर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया था, UN क्लाइमेट एक्शन समिट। इसका उद्देश्य ये था कि नया और एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क के हिसाब से बनाना, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ठीक है, क्लियर है? तो गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ये आप लोगों की ड्यूटी है, वो आप करिए, जल्दी करो। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आ रही है, अनप्रेसिडेंटेड रेन इन पंजाब एंड हरियाणा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। पंजाब और हरियाणा के अंदर जो क्या कहते हैं कि खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, वो रेन के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि ये दोनों एग्रीकल्चर लेड स्टेट है, और यहाँ पे अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो क्रॉप अच्छी रहती है, अदरवाइज फॉल कर जाती है। सो कई बार हैवी रेन होने के चलते भी किसानों को दिक्कतें आती है, और जो एग्रीकल्चर है या क्रॉप है वो गिर जाती है। देयर हैज बीन हैवी रेन अकंपनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स इन की वीट ग्रोइंग स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा। जब मानसून आने को होता है, मानसून आ रहा होता है या फिर मतलब आने को होता है, उस समय पे हैवी रेन जो है वो हमें देखने को मिलती है, साथ के साथ बहुत तेज हवाएं भी देखने को मिलती है, जिसके चलते जो वीट जैसी जो क्रॉप्स हैं वो गिर जाती है, वीट की होगी या पैडी क्रॉप्स होगी वो गिर जाती है, और वो फिर मतलब खराब ही हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, Rains have left farmers and export worried as they fear the wet weather may damage the standing crop. जो standing crop है, जैसे पैडी या वीट की हम बोलते हो। आनंद कौन से ग्रुप में? टेलीग्राम पे तो जस्ट आप लोग सर्च कर लो ना।
जस्ट सर्च करो आप टेलीग्राम तो कि भाई स्टडी आईएएस को सर्च करो, वहां ज्वाइन करो, आपको टेलीग्राम में उसका लिंक भी मिलेगा। और पर्सनल है वो मेरा अनअकैडमी अंकिता जिंदल, उसे आप ज्वाइन करो, फाइन। वहां पे आपको बाकी क्लास और इनकी पीडीएफ मिलेगी। आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो बाय माय नेम अंकिता जिंदल, अंकिता जिंदल सर्च करो, वहां पे करो ज्वाइन। ओके, अभी क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है तो फिर समस्या हो जाती है किसानों को, सबसे ज्यादा क्वालिटी को खराब कर देता है। अब हम लोग थोड़ा बहुत रबी क्रॉप और खरीफ के बारे में बात कर लेते हैं। वीट जो होता है ना, गेहूं जो होता है, वो आपकी रबी क्रॉप होती है। रबी क्रॉप मतलब वो वाली क्रॉप जो कि सर्दियों में हो, करीबन नवंबर में जिसको उगाया जाए और फिर आगे फरवरी मई अप्रैल के समय में जब उसकी कटाई की जाए, ठीक है, तो वो क्रॉप आपकी होती है रबी क्रॉप। अब वीट आपका, आपको पता ही है सर्दियों में आता है, सर्दियों में उगाया जाता है। गन्ना भी है जो सर्दियों में उगाया जाता है, फाइन। हाई स्पीड विंड्स फ्लैटन कर देती है वीट की क्रॉप को, कई ज्यादा एरिया के अंदर अनसीजनल रेन होने की वजह से समस्या हो जाती है। साथ के साथ जो ये रीजन है वो ना सिर्फ वीट की क्रॉप को डैमेज कर रहा है, बल्कि जो पोटैटो है, मस्टर्ड है, रेप सीड है, इन सारी जो क्रॉप्स रहती है उनको भी डैमेज कर देता है। इसके अलावा जब, एक मिनट ये बताओ कि जब, क्योंकि सर्दियों में है तो हवा में नमी ज्यादा होती है कि कम होती है? जो क्रॉप सर्दियों में उगाई जाए उसके लिए उस समय पे हवा में नमी ज्यादा होती है कि कम होती है, वो बताइए। आप लोग खुद से बताएंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। उस समय हवा में नमी या मॉइस्चर में बोलूं आपको कि मॉइस्चर की कमी होती है, मॉइस्चर लेस ये क्रॉप रहती है। अगर मॉइस्चर हो गया ना, या बहुत ज्यादा हवा, बारिश हो गई, रेन हो गई, तो ये क्रॉप खराब हो जाती है। एस एम एज दैट इनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, यानी कि वो चीजें जो है वो कॉर्नर पे से खराब होने लगती है। हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन विल लेड टू वाटर स्टैग्नेशन, और उसकी वजह से खेतों में पानी भी खड़ा रहता है, यानी भरा रहता है, तो फंगल इन्फेक्शन होता है। वाटर जो स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि वाटर ठहरा हुआ पानी, वो अफेक्ट करता है पोटैटो की क्रॉप को, जो कि उन खेतों में हो जाए तो उनको समस्या क्रिएट कर देता है, ठीक है। हाँ, ड्राई एयर होती है वो, दैट टाइम टॉकिंग कि ड्राई एयर उस टाइम पे होती है, इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर सर्दियों में कम से कम बारिश होना तभी ज्यादा अच्छी खासी फसल होकर आती है। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो वहां पे क्रॉप पे असर पड़ता है। रबी क्रॉप जैसे आप देखो, वीट की हो गई, पी हो गई, ग्राम हो गए, बैरली हो गई, ये सब चीजें होती है जो नवंबर में उगा के इनको अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है। एंड ये टेम्परेचर फैसिलिटेट होता है, लो टेम्परेचर यानी कि ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर इन चीजों की उगाई जाती है। टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है ये। अब एक और लाइन याद करो कि द रबी, मैं लिख रही हूँ, आप लोग लिख इनको याद करिए। रबी क्रॉप्स आर द कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि टेम्परेट में भी आपको कोल्ड एनवायरमेंट होता है, और सब ट्रॉपिकल यानी कि बिल्कुल ट्रॉपिकल वाला एरिया नहीं, जो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है, थोड़ा ट्रॉपिकल से ऊपर का एरिया, जैसे आपका पंजाब हरियाणा हो गया, या हम लोग थोड़ा और ऊपर जाएंगे जम्मू कश्मीर की तरफ, थोड़ा ठंडी वाला जगह है ना, वो आपके लिए रबी के लिए अच्छा होता है। विंटर मंथ में क्योंकि वेस्टर्न टाइफन साइक्लोन कई बार जो है ये इन सारी क्रॉप को इम्पैक्ट कर देते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का मतलब ये है गाइस, जो आपका मेडिटेरेनियन सी से जो ठंडी हवाएं आना और वहां से बहुत तेज आंधी तूफान आना और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाना, वो मेडिटेरेनियन के यहाँ से अपनी तरफ आती है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर बता दूं, सो मान लो ये आपका इंडिया है, ये इंडिया है, और इसका यहाँ पे हम मानते हैं ये पंजाब होगा, ये हरियाणा है, ये अब मान लो एक समय के लिए HP रहेगा और ये UP रहेगा, ठीक है। दिस इज अ मेडिटेरेनियन रीजन है ये आपका। तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं चल के आती है, एक्चुअली में मेडिटेरेनियन सी है, तो वहां से हवाएं चलेंगी, उनके अंदर पानी होता है, पानी यानी कि नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो ये हवाएं ऐसे चल के आती है। बीच में इतने सारा लैंड एरिया है, जैसे पाकिस्तान, इराक हो गया, ईरान हो गया, वहां पे ये अच्छी खासी
रेन जो है वो कर जाती है, रेन कर जाती है, ठीक है, बारिश हो जाती है, तो हमारी तरफ जो आएगी ना वो ठंडी हवाएं बच जाती है। तो करीबन जो आपका, नहीं थोड़ा आप जम्मू कश्मीर से इवन नीचे रखोगे, एचपी के एरिया में करोगे आप, ओके, तो ये सिर्फ हवाएं आपके पंजाब हरियाणा वाले प्लेन में और ज्यादा सर्दी जो है वो बढ़ा देती है, विंटर को इंक्रीज कर देती है, ठीक है, वो ठीक कर देती है, समझ रहे हो बात को। विंटर हिल स्टेशन में ना ज्यादा ठंड हो जाती है, ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो आई एम टॉकिंग कि एचपी का वो एरिया जहाँ पे थोड़ा हिली एरिया नहीं है इतना, वो वाला एरिया आप यहाँ पे मान सकते हो, ओके। तो मेडिटेरियन इम्पैक्ट जो है काफी डालता है इन सारी क्रॉप्स के ऊपर। और आप देखो करीबन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नॉर्थ में आपको ये क्रॉप उगती हुई दिखाई देगी, ट्रॉपिकल में नहीं। सो वीट वगैरह या बैरली वगैरह आपको केरला की तरफ, तमिलनाडु की तरफ, वहां पे इतना नहीं मिलता, हमें पंजाब हरियाणा के प्लेन में ज्यादा मिलेगा, मिड लेटिट्यूड में हमें मिलेगा। नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन इनको खराब कर देती है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी इनको इम्पैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज में बढ़ने से पहले प्लीज कंफर्म करो कि ये वाली न्यूज आप लोगों को कवर्ड है और समझ आई है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। बोलो बोलो जल्दी एवरीवन एवरीवन एवरीवन। कहां पे जागीर, कहां पे, वे आर यू टॉकिंग, ओके इसके अप्रैल के महीने में बोल रहे हो ना आप, लेकिन अप्रैल के महीने में तो इनकी कटाई हो जाती है, दे विल कट आउट, अप्रैल के महीने की बात नहीं है, वो कट जाती है उस समय पे, जो दिसंबर जनवरी फरवरी वाला नवंबर वाला जो समय रहता है तब की ये बात कर रहे हैं, रबी क्रॉप तब के लिए बनी हुई होती है, ठीक है। हाँ जी चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, राजवीर यू क्लियर, ओके। ईस्टर्न घाट लैंड यूज पॉलिसीज क्लाइमेट चेंज हिट एंडेमिक प्लांट हैबिटेट, जो दो घाट होते हैं गाइज आप लोगों के, हाँ जम्मू कश्मीर में लॉट्स रेन रहती है इतनी तो, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ ना आपको कि वहां पे जो हिली एरिया, जम्मू से इवन आप नीचे करो ना एचपी वाला यूके वाला एरिया लो, और वहां पे जहाँ हिली एरिया कम है उस एरिया में, क्योंकि इसको टेम्परेचर ठंडा जरूर है लेकिन इतना ठंडा नहीं है कि बर्फ पड़ रही हो, इतना ठंडा भी शुष्क हो जाता है वो वाला मानसून, वो वाला एनवायरमेंट बहुत ही ड्राई हो जाता है, इतना नहीं चाहिए होता है, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल चाहिए होता है, करीबन आप ये लगा लो 10-12 तक का टेम्परेचर या 10 से 15 तक का इनको जो है चाहिए होता है। अब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की, ये सर सारा रीजन होता है दैट इज नॉन एज अ वेस्टर्न घाट, और ये जो सारा रीजन होता है दिस वन दैट इज नॉन एज अ ईस्टर्न घाट। इसके बारे में कुछ दो तीन चीजें याद करिए गाइज आपके लिए अच्छी रहेंगी। हाय विनय, एक सेकेंड आई जस्ट ड्रॉइंग वंस। यहाँ पे आपको जो है वो हिल्स ज्यादा देखने को मिलती हैं, हिल्स ज्यादा होंगी, यहाँ की हाइट भी ज्यादा होती है, ठीक है, इस वाले रीजन में आपको कोस्टल जो प्लेन होते हैं ना वो आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको नो हिल्स मतलब कम देखने को मिलती है, नो हिल्स का मतलब थोड़ी कम होती है, हाइट भी आपको यहाँ पे जो है वो कम दिखाई देती है, इसीलिए जो रिवर है वो कुछ इस तरीके का फॉल बनाती है ऐसे ऊंचाई में, दैट्स व्हाई हियर दे फॉर्म द डेल्टास, डेल्टास आपको इसमें मिलेंगे, डेल्टास कहाँ पे मिलेंगे, ईस्टर्न घाट में मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो ईस्टर्न घाट की जो रॉक्स होती हैं वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती हैं किसके, वेस्टर्न घाट के, यहाँ की जो रॉक्स आपको मिलेंगी वो मिलेंगी आपको हार्ड रॉक्स मिलेंगी, इन दोनों जगह में वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न में आपको लॉट्स ऑफ एंडेमिक प्लांट जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे, एंडेमिक का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स भी, एनिमल्स में प्लांट्स, एंडेमिक का मतलब होता है गाइस वो प्लांट आपको पूरे विश्व भर में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय यहाँ के, ठीक है।
सो ये चीज मैंने आपको ज्योग्राफिकल पैटर्न के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोनों घाट के बारे में बता दी। सो अब हम न्यूज पे आते हैं। ईस्टर्न घाट के अंदर कुछ पॉलिसी जो है यूज करी गई, जिसकी वजह से एंडेमिक जो प्लांट हैबिटेट था उसको खराब वो हो गया। इसके लिए ग्रेस बना। ग्रेस क्या था? ग्रीन्स अलायंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट, ये ग्रेस बनाया गया। और साथ ही साथ एक सीजीआर काउंसिल थी, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और बताया ईस्टर्न घाट का एनवायरमेंट आउटलुक, की ईस्टर्न घाट का कैसा लुक जो है वो है, वो बता दिया उन्होंने। ठीक है, अब ये जो ग्रेस है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनकी सुरक्षा करती है। किसकी? ईस्टर्न घाट की। स्पेशली याद करना, ईस्टर्न घाट की सुरक्षा करती है, ठीक है, वहां के हेरिटेज की। सो गाइस क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से करो विदाउट एनी टॉकिंग टू यू। ये जो काउंसिल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन बनी, वो एक एनवायरमेंटल एक्शन है हैदराबाद के अंदर, सो दैट ग्रेस की हेल्प हो सके और ग्रेस का ऑब्जेक्टिव को हम लोग अचीव कर सके। ग्रेस का ऑब्जेक्टिव यही है, ईस्टर्न घाट के अंदर जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उनको प्रोक्योर करना, उनको सेफ गार्ड करना। फाइन, इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे थोड़ा सा कि इम्पोर्टेंस क्या है ईस्टर्न घाट, व्हाई वी आर दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। वेस्टर्न घाट आर द क्राउन ज्वेल्स ऑफ इंडिया नेचुरल हेरिटेज। और ईस्टर्न घाट में भी आपको ओडिशा से लेके तमिलनाडु वाला रीजन आपका ईस्टर्न घाट होता है, जो कि हमें बहुत सारी चीजों में रोल अदा करता है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी के लिए। यहाँ पे ट्रीज में एनर्जी होती है, प्रोवाइडिंग सस्टेनेंस बनाए रखते हैं, क्लाइमेट को मॉड्यूलेट करने के लिए। फ्लोरा और फौना आपको बहुत सारे एंडेमिक जो है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा दे दो। फ्लोरा फौना भी आपको यहाँ काफी अच्छे और बहुत सारे देखने को मिलेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इस पे आ रहे हैं। अंटार्कटिक के अंदर रेड स्नो एट द अंटार्कटिक बेस द कोज एंड द कंसर्न। जो रेड स्नो है ना, हमें वो अंटार्कटिक के अंदर देखने को मिली काफी बड़ी मात्रा में, जो कि एक कोज और एक कंसर्न भी था। तो ये बताओ, ये क्लियर है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बताइए इज दैट क्लियर टू यू और नॉट। फोटोग्राफ ऑफ रेड स्नो अराउंड द यूक्रेन वेनट्स के रिसर्च बेस कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो किनारा है या तो तटीय इलाका है, वहां पे हमें रेड स्नो देखने को मिले। आप लोगों को याद है एक चीज कि ना, कुछ दिन पहले जो आपकी लोनर लेक है, वहां पे हमें पिंक कलर उसका हो गया था, लोनर लेक का। याद है कुछ? बताओ एक बार। पिंक कलर हो गया था, उसका एक कारण था हेलो आर्किया एक तरीके का, क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके का कोई चीज थी, एल्गी थी, जिसके थ्रू उसका कलर पिंक हो गया था। सिमिलर वे में हमारी जो स्नो आपको मिली अंटार्कटिक में, वहां पे भी जो कलर है उसका रेड कलर का हो गया, बिकॉज ऑफ द आर्किया। रेड स्नो वाटरमेलन टू है, उसको आप वाटरमेलन स्नो बोल सकते हो, पिंक स्नो, रेड स्नो, कुछ भी बोलो। एल्गी की स्पीसीज जिसका नाम क्या था, क्लैमीडोमोनस निवालिस, ठीक है, हाँ जी, क्लैमीडोमोनस निवालिस की वजह से ये एक रेड कलर की एल्गी होती है, जिसके थ्रू वहां पे रेड स्नो का कलर जो है वो हो गया। रेडनेस ऑफ स्नो डायरेक्टली डिपेंड करती है एल्गी पर, और ये स्नो एल्बिडो जो थी ना, उस चीज को इन्होंने चेंज कर दिया। अब एक बात ये बता दीजिए कि अगर कलर स्नो का रेड हो गया है तो यहाँ से एल्बिडो कम होगी? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे से एल्बिडो कम होगी कि ज्यादा होगी? एल्बिडो कम होगी कि ज्यादा होगी? बोलो बोलो जल्दी। बताइए, दीपक किस चीज से रिलेटेड? मैं समझी नहीं आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। एल्बिडो यहां से कम होगी। एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्ट बैक द सन रेज, है ना, मतलब सन की रेज जितनी आ रही है उसको वापस चले जाना। मतलब सन की जो रेज आ रही थी, मतलब 100% आ रही है, अगर वो एनवायरमेंट बिल्कुल, वो स्नो व्हाइट कलर की स्नो है, स्नो व्हाइट है,
तो 100 में से वो वापस 80% जो है वो वापस चली जाएगी, आई शुड से 90% चली जाएगी। अगर स्नो का कलर रेड हो गया, व्हाइट के अलावा कोई भी कलर हो गया, तो वहां से वो जो एल्बिडो रहेगी करीबन 60-70% पे आ जाएगी, यानी कि वो स्नो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगी। हम लोग सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो सन की रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, हमें ठंड नहीं लगने देते। गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि सन की रेज को वो एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, यही कारण ये चीज रहती है। सो एब्जॉर्ब कर लेगी। अब यहाँ पे अगर ज्यादा रेज रुक गई तो भाई वो पिघला देंगी, वो मेल्ट कर देंगी सन की रेज को, दे विल मेल्टिंग इट आउट, है ना? दीपक प्लीज टेल मी अगेन कि क्या कह रहे हो। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में आपका सारा एनवायरनमेंट का टॉपिक कवर्ड हो जाए, नहीं होगा तो कल एक और क्लास लेनी होगी, अदरवाइज आज में कोशिश रहेगी कि पूरा हो, फिर हम बाकी का कल एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकेंगे। प्रेजेंस ऑफ सन रेज रेड स्नो कॉजिंग सराउंडिंग आइस टू मेल्ट फास्टर, बहुत जल्दी पिघलने लगेगी, और अगर ज्यादा एल्गी वहां पे आने लगी तो कलर बहुत ही डार्क कलर का रेड कलर हो जाएगा, और जितना डार्क होगा उतनी जल्दी वो मेल्ट होगी। ग्लेशियर मेल्ट होने से सी लेवल राइज, फ्लड वगैरह, वो तो फिर आप लोग कनेक्ट कर ही लोगे। क्लियर है? जिसने लाइक नहीं किया वो करो, और जिसने कर दिया वो कमेंट सेक्शन में लाइक का बटन प्रेस करो। अच्छा ओके, ये आप कन्वर्सेशन लिख गए, तो मैं ये सोच रही हूँ कि किस बारे में आप बात कर रहे हो, आप कन्वर्सेशन लिख गए हो। ओके नहीं, ये चीज अभी नहीं हुई है, बीच बीच में वैसे हम आर्टिकल्स के पूरे कर रहे हैं, एंड उसके लिए एक सेपरेट क्लास वैसे रख लेंगे, ट्रैफिक क्या है, साइट क्या है, अलग से रख लेंगे, वो रेंडमली आपकी न्यूज में आती ही रहती है। ओके नेक्स्ट एंड सुपर इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके सामने अब आती है, ये इसे पढ़। बायोफ्यूल, अब तक हम लोग यूज कर रहे थे एथेनॉल की बात हम लोग पढ़ रहे थे, कि हम बायोगैस से, मैन्योर से, एक्स्ट्रा मटेरियल से, एक्स्ट्रा फूड प्रोडक्ट से, क्रॉप से, गली सड़ी क्रॉप से, उन सब से हम जो है बायोफ्यूल जो है रिकवर करेंगे। एक नई आर्टिकल आपके सामने आ रहा है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है सिनेकोकस SPPCC7002। ये चीज बोल देते हैं, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। फाइन, इसके थ्रू हम लोग बायोफ्यूल जो है वो जनरेट करेंगे, इसके से हमें मिलेगा बायोफ्यूल। ठीक है, हाँ जी। रिसर्चर्स ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी ICGEB के द्वारा ये चीज डेवलप किया, कि हम लोग ग्रोथ रेट को ज्यादा इंप्रूव करें, शुगर के कंटेंट को और ज्यादा बढ़ाएं, और फॉर मरीन ऑर्गेनिज्म जिसको ये शुगर के एक तरीके से होता है कोई चीज, SPPCC7002, जो कि हमें बायोफ्यूल का सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देगा। अब आपसे एक प्रिलिम्स से भी पूछ लिया जाएगा कि रिसेंटली SPPCC7002 कुछ था, ये क्या चीज है, तो आपको बताना होगा कि भाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, ये जो सिन होकस है ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होता है, यूरेहिलीन होता है, यानी कि सेलिनिटी को, जितनी ज्यादा सेलिनिटी होती है ना ओशियंस के अंदर, उसको टॉलरेट ये कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर जो सेलिनिटी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। मरीन साइनोबैक्टीरियम ही रहता है। ये एग्जिबिट करता है एक्सेप्शनल टॉलरेंस ऑफ हाईलाइट इन रेडिएशन, एंड शो करता है बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है, इसकी ग्रोथ जल्दी होती है। हैबिटेट, ये कई सारे एनवायरमेंट में रह सकता है, जैसे लाइट हो, न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो, टेम्परेचर हो, सैलिनिटी हो, ऐसे एनवायरमेंट में ये जो चीज है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आराम से रह सकता है। इसके अलावा ये लाइन पढ़ो, ये डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कहती है कि जब ग्रो एयर में हो जाएगा तो इसकी ग्रोथ डबल होगी, एंड द ग्लाइसोजन कंटेंट ऑफ द सेल इंक्रीज हो जाएंगे अबाउट द 50%। जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, हवा के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इसकी ग्रोथ जो है ना वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी। इसके अंदर एक ग्लाइसोजन कंटेंट होता है, या हम बोले शुगर कंटेंट होता है, वो 50% से भी ज्यादा जो है वो इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, कई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में ये बोला भी गया है कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन इंक्लूड करता है, ये लो कॉस्ट है, सस्टेनेबल सप्लाई रहेगी, और शुगर की, और एक नाइट्रोजन सोर्स की।
ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो शुगर है जिसकी हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ये प्लांट से ही आता है। तो जो जो लाइंस मैं आपको बोल रही हूँ ना, उनको पक्का से पक्का याद कर लेना, और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल। कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया को ना आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ब्लू ग्रीन एल्गी। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सो दैट आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। दे टू कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिक्सिंग द CO2 इन द एटमॉस्फेयर। जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये इसकी ग्रोथ बहुत ही रैपिडली जो है वो होती है, करीबन 50% से ग्रोथ कर जाती है। ठीक है, ग्रोथ कर जाती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये फोटोसिंथेसिस में अच्छा परफॉर्म करता है और शुगर को प्रोड्यूस करता है बाय फिक्सिंग इन द एटमॉस्फेयर में। और जितनी ज्यादा ये शुगर प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा ये आपके लिए प्रॉब्लम कॉजिंग रहेगा, ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो है फिक्स कर देता है एटमॉस्फेयर में, तो उस चीज को वहीं पे स्टेबल कर देता है। समझ में आया ये वाला आर्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? एक तो ये साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे बोल रहे हैं, एंड ये परफॉर्म कर सकता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है और आपकी O2 को रिलीज किया जाता है ना, तो ये CO2 को एब्जॉर्ब भी जो है वो कर लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? नहीं बताओ एक बार। थोड़ा ही मुश्किल जरूर लग रहा है कि ये होगा याद करना, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो करना भी पड़ेगा। दे आर हिट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक, प्रिंसिपली फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें कोई न्यूक्लियस जो है वो नहीं रहता। अब हम थोड़ा सा इमेज के उस पे आ जाते हैं। फ्रॉम बायोमास टू एडवांस बायोफ्यूल एंड बायो प्रोडक्ट सस्टेनेबल, यानी कि ये जो बायोमास बनाएगा तो बायोफ्यूल से हम लोग बायोमास बना सकेंगे तो ये हमारे लिए सस्टेनेबल रहेगा। इससे बायोमास जो प्लांट के लिए रहता है वो ज्यादा अच्छा होगा, क्रॉप डेवलप करेंगी विद द सेल वॉल ऑप्टिमाइज फॉर डीकंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्जन टू बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल हमें मिल रहा है और इससे अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो सकेगी, बायोमास ग्रोथ करेगा, ये अच्छा रहेगा। बायोमास को ब्रेक डाउन करेगा, सेपरेट भी करेगा, तो एंजाइम सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करेगा। ये एक चीज है, इनको आप पढ़ लेना थोड़ा सा अच्छे से करके, एंड जल्दी बताइए क्लियर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बायो एनर्जी हम प्लांट वेस्ट से कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ हम एथेनॉल यूज कर रहे हैं कि जो व्हीकल्स वगैरह के लिए हम एथेनॉल यूज करें, जैसे गन्ना है, शुगर केन है, इसके थ्रू हम लोग एथेनॉल बनाएं। इसके अलावा जो अपने रॉटन पोटैटोज हैं, क्रॉप्स हैं, उन सबके यूज से हम लोग एथेनॉल बनाएं। लेकिन अभी ये जो चीज है ना, वेस्ट जितना प्रोडक्ट होता है इंडस्ट्रीज, उसके थ्रू जो है वो शुगर या फॉरेस्ट्री कोई भी एलिमेंट बना देती है। इसके थ्रू जो है हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से एंजाइम वगैरह को यूज करके इसको प्लांट वेस्ट को दो टाइप के शुगर में लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक होता है C5 और एक होता है C6। ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लो। अभी हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से प्लांट वेस्ट को दो तरीके के शुगर के टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक होता है C5, एक होता है C6 होता है। फाइन, इसके बाद इनको यीस्ट के थ्रू फर्मेंटेड किया जाता है पूरा अच्छे से, एंड इसके बाद एथेनॉल बन जाता है, और फिर एथेनॉल को आप लोग व्हीकल्स वगैरह में यूज करते हो, पेट्रोल की जगह वो चलने लगता है। ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट वन। टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व और कवाल टाइगर रिजर्व, ये दोनों क्या है? नामधापा नेशनल पार्क के अंदर एक नया हाईवे प्रोजेक्ट बना था, तो कई सारे पेड़ों को काट दिया गया,
हैज बीन क्लियर्ड आउट थ्रू पाके टाइगर रिजर्व, एक जो दूसरा बिग कैट रिजर्व है अरुणाचल में. वो चीजें आपको तकरीबन मेंस में आएंगी, उस चीज को स्किप करो, सिर्फ इन दोनों की लोकेशन आप लोगों को याद करनी रहेगी. एडुकेट वाटर अवेलेबल है थर्स्ट और वाइल्ड एनिमल के लिए, उसमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ से कम होने के चांसेस रहेंगी, क्योंकि हाईवे प्रोजेक्ट बनाना था पहले, उसको अभी क्लियर आउट कर दिया, मतलब उस प्लान को स्किप कर दिया, तो उसकी वजह से ये चीज हुई. पाके टाइगर रिजर्व को ना आप लोग पाक हुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हो. कहाँ पे है पाके, फिर से पाके, पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे आपको मिलता है ये इंडिया के जो बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिलता है 2016 में मिला था, तो पाके टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड भी मिला हुआ है. ये आपके कामेंग रिवर और भरेली रिवर, एक ही रिवर है वो, कामेंग बोलो या भरेली बोलो, वे दोनों रिवर इसी के यहाँ से निकलती जा रही है, और पाके रिवर, तो दो रिवर है, एक तो है पाके और एक है भरेली, या दो दूसरी हमने बात करी, ये दोनों रिवर इसके टाइगर रिजर्व के बीच में से होके निकल रही है, इसलिए इसका नाम भी वो पड़ा. इसके बाद आ रहा है कवाल टाइगर रिजर्व. कवाल जो है वो तेलंगाना के मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, गवर्नमेंट ने इसको 2012 में वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर किया था. वेरी गुड, एपी इज द राइट आंसर, वेरी गुड चंदन, दीपक एंड हाँ ओके. इसके क्लियर है ना सबको, कोई डाउट हो तो बता दिया करो. चीजें ज्यादा हैं लेकिन इम्पोर्टेंट जो जो चीजें हैं ना, बस उनको कर लो. क्वेश्चंस की फॉर्म में भी इनको मैं आपको फॉर्म में करवा दूंगी, जो आपकी बैटल वाली सीरीज है तब हम लोग इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में कर लेंगे, नॉट टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, वो चीज हो जाएगी. जो कवाल टाइगर रिजर्व है वो आपकी तेलंगाना के अंदर है, और ये रिजर्व ओल्डेस्ट सेंचुरी है नॉर्दर्न तेलंगाना के अंदर. गोदावरी और कदम, गोदावरी का जो कैचमेंट एरिया है, गोदावरी का जो कैचमेंट एरिया है वहां पे ये लाई करता है. तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि कवाल टाइगर रिजर्व कौन से रिवर के कैचमेंट एरिया में लोकेट करता है. सो योर आंसर व्हाट बी व्हाट, बताओ कवाल टाइगर रिजर्व किस रिवर के कैचमेंट एरिया में आता है, बताइए आप लोग बताइए. बताओ जल्दी किस रिवर के कैचमेंट में आता है. अब देखो ये रहा आपका तेलंगाना, तेलंगाना ठीक है, हैदराबाद इसकी कैपिटल है, और अरुणाचल प्रदेश से ही, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था. इसके नॉर्थ में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या है, कवाल टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व. ठीक है, ऐसे याद कर लो कि तेलंगाना वाले कवाली गाते हैं, तेलंगाना वाले कवाली गाते हैं. ठीक है, ऐसे कर लो, हो जाएगा. अब जो रिवर है गोदावरी, जो त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, वो इसके थ्रू होके आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है. वेरी गुड जे जे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. तो ये वाली चीज है, और पाके टाइगर रिजर्व है आपके अरुणाचल, असम के अंदर, अरुणाचल के अंदर, तो अरुणाचल वाला ये एरिया है, असम के पास ही तकरीबन पड़ता है. ओरांग और काजीरंगा ये दोनों आपके असम के अंदर आते हैं, ओरांग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क. हाँ, तो ये जो दोनों है ना, ओरांग और क्या बोलते हैं काजीरंगा, दोनों असम में आ रहे हैं. इन्हीं के नॉर्थ में आपको पाके या पाखुई टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल में मिल जाते हैं. ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कम टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आ रही है, बायो मिथेनेशन. अरे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बायो मिथेनेशन. स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग, इसके लिए एक और सॉल्यूशन जो है वो सुझाया गया, स्टबल बर्निंग के लिए एक तरीका, बायो मिथेनेशन. राइस स्ट्रो को खत्म करने के लिए लोग, किसान जो है वो स्टबल को बर्न ना करे, उस चीज के लिए बायो मिथेनेशन एक नया तरीका जो है वो सुझाया गया. पूरी इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो लागू हुआ. एफर्ट्स आर ऑन टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर किचन यूज. सो बायो मिथेनेशन जो चीज हुई वो एनारोबिक डाइजेशन मेथड, डिब्रू साइकोवाइज इन अरुणाचल.
डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा दिहांग, हाँ दैट इज इन असम, बिल्कुल दिहांग दिबांग है आपका अरुणाचल के अंदर, डिब्रू साइखोवा आपका असम में मिलेगा। सिक्स डोमेस्टिक लेवल पैडी स्ट्रो बेस्ड बायोगैस जो प्लांट थे वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए। R&D प्रोजेक्ट ने इसको हेल्प की बायोमेथेनेशन के लिए, ताकि आपको जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल माइक्रोब्स की हेल्प से कन्वर्ट किया जाए बायोगैस में। क्या है ये चीज, सुनो ध्यान से सुनो, बायोमेथेनेशन में बायोमिथेनेशन की हेल्प में जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जैसे स्टबल होता है ना जो खेती करने के बाद जो बचा हुआ रेसिड्यू है ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको माइक्रोब्स की हेल्प से या जीवाश्म कीटाणु इनकी हेल्प से हम लोग बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर बायोगैस आपके किचन वगैरह में या फिर नॉर्मली यूज में आ जाते हैं। एक चीज याद रखना, जो कंडीशंस रहेंगी वो एनारोबिक रहेंगे। एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक का मतलब होता है कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एनारोबिक होती है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। तो इस लाइन को याद रख लीजिएगा, बायोमिथेनेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल को माइक्रोबायोलॉजिकली की हेल्प से हम लोग बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है। सो तीन मेजर इसके लिए काम आएंगे, जैसे फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और मेथेनोजेनिक आर्किया। बायोगैस जिसमें आप लोग गैसेस का मिक्सचर होता है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके बनाया जाता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहती है। मीथेन और CO2 भी इसके अंदर मिश्रण उनका रहता है। तो इन चीजों को आपने खुद से पढ़ना रहेगा। इसकी PDF जो वो आपको मिलेगी वो स्टडी आइस की। स्टबल बर्निंग से रिलेटेड कमेटी में भी आपके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही ये सारे काम जो है वो आते हो, सो वही मे बी इसके लिए रहेगी क्योंकि एनवायरमेंट इससे पॉल्यूट हो रहा है। एग्रीकल्चर जो वेस्ट है या फिर जो प्लांट के रेसिड्यू हैं या जो क्रॉप्स खराब हो गई हैं, उन सब की हेल्प से हम माइक्रोब्स की हेल्प से एनारोबिक कंडीशन में इसको बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरीवन इज क्लियर? बताओ क्लियर है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब देखो यहाँ पे ग्रिड और इनवेबल इलेक्ट्रिसिटी है, और इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस की फॉर्म में, जहाँ पे सिर्फ H2 है, सिर्फ H2 है, H2O नहीं है, O नहीं है, याद रखो H2O नहीं है, सिर्फ H2 है, उसकी फॉर्म में और CO2 की हेल्प से हम उसे बायोमिथेनेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो डेयरी मैन्योर होता है या फिर जो एनिमल वेस्ट होता है, उसको हम एनारोबिक डाइजेस्ट करके बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन, ये लाइन याद रख लेना, बिना ऑक्सीजन के हम लोग CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर CO2 से बायोमेथेनेशन जो है वो बनाई जा रही है, और इन सबको फिर हम लोग नेचुरल गैस ग्रिड की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, किचन वगैरह की गैस में या किसी और चीज में हम लोग इसे जो है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो, बायोमास हैंडलिंग, एंजाइम की हेल्प से सेलुलोज हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज फर्मेंटेट करके एथेनॉल बनाया जा रहा है और फिर उसे सप्लाई जो है वो कर दिया जा रहा है। हाय अंकिता, ओके डन, ओके। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, जल्दी से कर दो, और फिर हम करते हैं इनके जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, मे बी आई विल टेक अ नेक्स्ट सेपरेट सेशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस। अदरवाइज जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है ना अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 9 PM, उसी में मैं इनके क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। सावन, सावन ये क्या चीज है भाई? साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, इसका पूरा फुल फॉर्म है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, एक इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट सपोर्ट है ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनके लिए, जिससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सावन के अंदर इंडिया इसकी मेंबर है कि नहीं है, सो योर आंसर विल बी येस कि भाई हाँ हम भी इसके मेंबर में आते हैं। फाइन, इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है या पोचिंग होती है, उन सबको कॉम्बैट करने की बात की जाती है, स्पेशली साउथ एशिया वाले रीजन में। फोकस करता है पॉलिसीज पे, इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी पे, स्ट्रेंथन करता है नॉलेज वगैरह के थ्रू, ये सब काम इनके रहते हैं। क्लियर?
ओके डन, मूविंग अहेड, सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी फॉर द 2050 रिपोर्ट। ओशन इकोनॉमी या जिसको हम लोग ब्लू इकोनॉमी का नाम भी दे रहे होते हैं, उसको सस्टेन करना, उसको सुरक्षित करना, बचा के रखना, उसके लिए 2050 की एक रिपोर्ट अपने सामने आई। फाइन, हाई लेवल पैनल फॉर द सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी कमीशन इस रिपोर्ट को गया ताकि हम लोग सस्टेनेबल ओशन को बना सके, ओशन से आने वाले प्रोडक्ट को, रिसोर्सेज को अच्छा खासा हम लोग यूज कर सके। और टारगेट ईयर कब तक है? 2050, 2020 से लेके 2050 तक की बात हम इसके अंदर कर रहे हैं। क्लियर है? तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, अगले आने वाले 30 साल के अंदर हम ओशन पर बेस्ड रहेंगे, उसको कंजर्व करेंगे, रिस्टोर करेंगे, मैंग्रोव के हैबिटेट को और अच्छा बनाएंगे, स्केलिंग अप ऑफशोर विंड प्रोडक्शन, डीकार्बोनाइज, ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दैट, ठीक है? तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना आप लोग याद भी तो कैसे रखोगे, बस इतना करना, ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड विद द ओशन, ब्लू इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी के लिए हमने 2050 तक का अपना टारगेट है, और इसमें तीन वर्ड्स को फोकस किया गया है, एक तो है प्रोटेक्ट, एक है प्रोड्यूस, एक है प्रॉस्पर। अभी तक डिसीजन है कि हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, अगर कुछ प्लान चेंज होता है सो आई विल लेट यू नो इन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है? तो ज्योग्राफी के काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको करेंगे, अदरवाइज वी विल चेंज, अगर प्लान चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी, ओके? प्रोटेक्ट, प्रोड्यूस और प्रॉस्पर, तीन वर्ड याद करना, प्रोटेक्ट, प्रोड्यूस और प्रॉस्पर, जो ब्लू इकोनॉमी के लिए यूज है। एक तो हम जीएचजी एमिशंस को कम करेंगे ताकि बायोडाइवर्सिटी सेफ रहे। प्रोड्यूस के लिए हम लोग जो है वो सस्टेनेबिलिटी पावरिंग फीडिंग अ प्लैनेट को 2050 तक करेंगे, फर्टिलाइजर वगैरह का यूज नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे, वो सब चीजें। प्रॉस्पर का मतलब है कि इकोनॉमी से रिलेटेड उसको स्ट्रेंथन से हम नई नई जॉब क्रिएट करेंगे और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, हाउस होल्ड इनकम और वेलबींग जो है वो इसमें इंक्रीज जो है वो हम देखेंगे। फाइन, चलो कम टू द नेक्स्ट वन। वही मैं बोल रही हूँ, जो भी रहेगा प्लान आई विल लेट यू नो, कंफर्म हो जाएगा आपको। सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट इंडिया और एमपी। एमपी का टारगेट है 2022 तक हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करें और उसको अचीव कर ले। इंडिया का भी सेम टारगेट है कि हम 2022 तक के टारगेट को अचीव करें, जिसके अंदर सोलर जो गैस रहेगी वो होगी अपनी करीबन 100 गीगावाट की, विंड की रहेगी अपनी 60 गीगावाट और बाकी चीजें रहेंगी। न्यूज में ये आया कि थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो मीटिंग थी, जिसको हमने री इन्वेस्ट के नाम से जानते हैं, वो हुई थी, उससे रिलेटेड बात हुई, जिसके अंदर ये बोला गया कि भाई 20 बिलियन हर साल जो है हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिन्यूएबल यूज करें, ओके? इंडिया की फिलहाल कितनी कैपेसिटी है? इंडिया फोर्थ नंबर पे आ रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जितनी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी रिन्यूएबल एनर्जी। तो करेंटली हमारी 136 गीगावाट है, जो कि पूरी कैपेसिटी के 36% है, और कोशिश करेंगे कि हम इसे और ज्यादा फास्टली ग्रोथ करें। 2022 तक हमने अचीव करना है 220 गीगावाट और 136 अभी हम पहुंच चुके हैं। डिमांड है लोकल प्रोड्यूस पैनल्स की 36 गीगावाट, अगले 3 सालों में हमें जो है वो और ज्यादा ग्रो करनी रहेगी, ओके? सरकार के उद्देश्य इनमें स्टेप रहेंगे, जैसे एक पीएलआई स्कीम बना दी उन्होंने, एक रूफटॉप सोलर स्कीम बनाई थी, एक सृष्टि स्कीम बनाई थी। तो सृष्टि स्कीम क्या है, इसको आप लोग पढ़ के एक बार थोड़ा सा कमेंट में एक्सप्लेन कर देना कि क्या है सृष्टि स्कीम। एक नेशनल सोलर मिशन बनाया था ताकि अपनी इकोलॉजिकल जो है, इकोलॉजी जो है वो सस्टेन हो सके। इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज को एड्रेस करते हुए इस बारे में बोला था, जैसे रूफटॉप ये थी। तो आप लोग इन्हें खुद से पढ़ना, बहुत ज्यादा अब जरूरी नहीं है इतनी, लेकिन जैसे सृष्टि है ये वाली स्कीम इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको जरूर पढ़ लेना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्कीम किस चीज से रिलेट कर रही है, सो यू हैव टू बी नो कि भाई ये जो है वो आपके एनवायरमेंट से रिलेट कर रही है, रिन्यूएबल से रिलेट कर रही है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के बारे में। कुसुम जो स्कीम आई थी, इस 2019 में आई थी, बस इतना था
फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया गया था कि भाई आप लोग सोलर पावर को जनरेट करो अपने खेतों में और क्लीन एनर्जी को यूज करो, आप डीजल वाटर पंप वगैरह उसको हटा दो और क्लीन एनर्जी को आप लोग यूज करें, ठीक है। ये वाली चीज थी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना कर लो, इनफ रहेगा। इसके बाद आपके सामने आ रहे इनफ्लोज मुंबई। कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कोऑर्डिनेट करते हुए म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है ग्रेटर मुंबई की, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। मुंबई के अंदर अक्सर जो है फ्लड आती रहती है, फ्लड नहीं बोलूंगी, पानी का लेवल काफी एक्सेस होता रहता है, मतलब थोड़ी बारिश आई नहीं कि वहां पे सारा भर गया। उसका कोई कारण बता सकता है कि थोड़ी बारिश के अंदर मुंबई की सड़कें जो है वो समुद्र बन जाती है, नदियां बन जाती है, क्यों ऐसा होता है, कोई कारण बताएगा? इसके लिए मुंबई के लिए स्पेशली एक इनफ्लोज मुंबई का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, जिसको इनफ्लो मुंबई हमने बोल दिया। इसके बारे में थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी है, इतना सब नहीं रख पाओगे आप लोग। स्टेट ऑफ आर्ट है ये, जिसके अंदर फ्लड वार्निंग सिस्टम है, फ्लड आनी होती है तो उसमें वार्न कर दिया जाता है मुंबई को कि आपकी जो रेजिलियंस है उसको एनहांस करिए, पॉसिबल बनाइए फ्लड इनंडेशन हो जाए, यानी कि पानी जो है वो अंदर स्टोर हो जाए, 3 दिन एडवांस में चीज के लिए बोल दिया जाता है। इरिगेशन प्रॉब्लम, ओके, और कुछ, और कोई? चेतन चंदन, प्लीज यू टेल। अर्ली मॉर्निंग फ्लड के रिलेटेड यहाँ पे दे दी जाती है तो फिर उसे जो हमारे खतरे हैं थोड़े कम हो जाते हैं, हम लोग थोड़ा अवेयर हो जाते हैं उस चीज से रिलेटेड। मुंबई ऐसी दूसरी सिटी है चेन्नई के बाद जिसको ये इनफ्लोज मुंबई वाला सिस्टम मिला है, और बेंगलुरु कोलकाता में भी अब इसमें डेवलप ये चीज हो गई है। अर्बन फ्लडिंग का मतलब होता है इनंडेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ए बिल्ट एनवायरमेंट, पर्टिकुलरली डेंस पॉपुलेटेड, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है ना उस एरिया के अंदर बाढ़ आना, फ्लड आना, वो एक बात यहाँ पे रहती है। हाँ बिल्कुल, जो आपका साउथ इंडियन है, मुंबई वाली जो जगह है, वहां पे जो रॉक्स है ना वो बहुत हार्ड रॉक्स है, हार्ड रॉक्स होने की वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से पानी ऊपर ही लहरता रहता है, इस वजह से वो चीज आपकी यहाँ पे काम में आती है। ओके, सबने लाइक कर दिया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि दैट यू क्लियर्ड ऑल द थिंग्स। इसके बाद एशिया का सबसे पुराना जो बैम्बू है वो इंडिया में मिला, कब बस होने वाली है खत्म, फिर हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। रिसेंटली न्यू फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ बैम्बू हैज शोन दैट इंडिया के इज अ बर्थ प्लेस ऑफ एशियन बैम्बू, जो एशियन बैम्बू है ना उसका इंडिया बर्थ प्लेस है, यानी कि शुरुआती दौर यहीं से ही बैम्बू का हुआ है। फॉसिल्स फाउंड किए गए तिराप माइन में से, जो कि असम के अंदर है, माकुम कोल फील्ड है तिराप माइन, वहां से हमें फॉसिल्स मिले हैं। ये और ज्यादा स्टोरी या जो स्टडी है वो और ज्यादा क्लियर करेगा कि बैम्बू एशिया में आए हैं तो एशिया में सबसे पहले इंडिया में देखे गए और इंडिया में इसका जन्म हुआ, ना कि यूरोप से। अभी तक हम लोग ये मान रहे थे कि यूरोप से ये सब चीजें हुई है, बट नाउ वी हैव टू गेट आइडिया कि भाई ये जो चीज है वो इंडिया से हुई है, क्योंकि सबसे पुराने वाले अपने इंडिया में मिल गए हैं। बैम्बू कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कंडीशन कोल्ड होती है, जैसे 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का टेम्परेचर जो एरिया होता है वहां पे आपको मिलते हैं। करीबन आपको सी लेवल पे ये देखने को मिलेंगे, सी कोस्ट पे मिलेंगे, ये आपको कई रेनफॉल की कंडीशन में भी ग्रोथ करते हुए मिल जाएंगे। बैम्बू इज फाउंड नेचुरली ग्रोइंग, अब एक सुनो ध्यान से, ओके हेमंत, प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आ सकती है कि बैम्बू इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये बात सही है कि गलत है, इज इट ट्रू और रॉन्ग? नेचुरली फाउंड इन इंडिया, सो इट्स ट्रू, ठीक है, करीबन अपने इंडिया के सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट द कश्मीर, वो पॉइंट याद रखना, आपसे ये देखने को मिल जाए कि बैम्बू मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, बैम्बू फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट, इन ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट, आपको ऐसा एक स्टेटमेंट मिल जाएगी, सो पता होना चाहिए कि नहीं ये गलत है, आपको मिल जाएंगे बैम्बू फाउंड इन इन ऑल ओवर इंडिया, तो वो भी स्टेटमेंट गलत रहेगी, क्योंकि कश्मीर में नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएगा। ओके चलो, एक लास्ट न्यूज है, आई थिंक ये आपकी लास्ट ही होगी है,
हाँ बस दो न्यूज और रह गई। कुसुम स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसका उद्देश्य ये था कि एनर्जी प्रोवाइड कराना फाइनेंशियली और वाटर स्कैर्सिटी किसानों को जो है वो अवेलेबल कराना, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर का यूज करे, डीजल वाटर पंप को छोड़ दें। इसका उद्देश्य है कि इतनी मेगावाट तक 2022 तक का अपना टारगेट। रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये क्या है भाई? रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नीदरलैंड, एक नीदरलैंड की जो सरकार है उनका ये रूम ऑफ द रिवर। इज टू बी रेप्लीकेटेड इन द केरला'स कुट्टनद विच रिमेन सबमर्ज फॉर वीक्स ड्यूरिंग केरला फ्लड। केरला फ्लड की तरह कई हफ्तों तक जो रिवर है, या हम बोले वो जगह है, वो काफी मतलब पानी के नीचे जो है वो बनी रही, इसलिए ये चीज न्यूज में आई थी। फ्लड मिटिगेशन इनिशिएटिव है ये, जो कि एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात है जो रिवर के पास वाले एरिया होते हैं, और वहां पे जो फ्लड जो है वो आए दिन आती रहती है, उसको रोकने की बात है। वाटर मैनेजमेंट का तरीका अच्छे हो डेल्टा रीजन के अंदर, ज्यादा स्पेस मिले वाटर बॉडी में, ये सब एक तरीका है और कुछ नहीं है। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, आपका इंतजार हुआ खत्म, कम टू द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG प्रोग्राम। बताओ, इट हैज बीन टेकन अप बाय द वर्ल्ड बैंक टेक्निकल असिस्टेंस थ्रू द OSOWOG इनिशिएटिव। इंडिया प्लान बिल्ड ए ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। क्या सही है? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, जल्दी करो। क्या रहेगा इसमें सही जवाब, जल्दी बोलिए। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड प्रोग्राम, ये क्या है? See you are saying. Okay. Any other? Fine. जल्दी बोलो जल्दी। See, very good. See is the right answer. दोनों बिल्कुल सही रहेंगे। One sun, one world, one initiative का प्रोग्राम यही है। इसके चलते नहीं जे इस राइट आंसर इज सी। ठीक है, बेनिफिट ये है कि प्रोजेक्ट वगैरह को ये चीज रिड्यूस करेगा और वो सारे काम इसमें रहेंगे। फाइन, चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या सही है? हाइड्रोजन इज अबंडेंट इन अवर एनवायरनमेंट एंड इट इज स्टोर्ड इन वाटर हाइड्रोकार्बन। इट ओनली रिलीज वाटर वेपर एंड हीट आर एमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल। सो वन टू बोथ नन, व्हाट विल बी द राइट वन? वन टू बोथ नन, बताओ जल्दी एवरीवन। हाइड्रोजन, बताइए सभी। हाइड्रोजन अपने एनवायरनमेंट में प्रचुर मात्रा में मिलती है क्या? और ये पानी में भी मिलती है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इट ओनली रिलीज वाटर वेपर, दूसरा कह रहा है कि क्या सिर्फ ये वाटर वेपर रिलीज कर रहा है और हीट के एमिशंस कर रहा है फ्यूल सेल से? ओके चंदन, ओके ग्रेट। अब आप लोग एक वर्ड से डर गए हो जिसका नाम है ओनली, है ना? ओनली, लेकिन फोकस करवाया था मैंने इस बात पे कि हाइड्रोजन यूज करने में अच्छी है, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ वाटर रिलीज कर रही है। सोचो उस चीज को, वाटर वेपर्स रिलीज कर रही है, तो सी होगा इसका भी जवाब। देखो ये आपको चलो वो यहाँ मेंशन तो है नहीं अभी। ऑल्टरनेटिव फ्यूल है जो अभी कई सारे डोमेस्टिक रिसोर्स से प्रोड्यूस हो सकता है, अपने एनवायरमेंट में प्रचुर में मिलता है। हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 इन सब में भी मिल जाएगा ये पॉइंट, याद रखो गाइस। हाइड्रोजन को यूज करने से सिर्फ वाटर वेपर रिलीज हो रहा है, कोई गैस रिलीज नहीं हो रही है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिशिंग कैट इज नॉक्टर्नल एंड अपार्ट फ्रॉम फिश ऑल्सो प्रे ऑन फ्रॉग क्रस्टेशियन स्नेक बर्ड एंड स्कैवेंजर्स ऑन कार्केसेस ऑफ लार्जर एनिमल्स। चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिजाइन कर दिया था फिशिंग कैट को, स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा। फिशिंग कैट आर मेनली फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन। सो व्हाट विल बी द आंसर, बोलो जल्दी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज, डू फास्ट, वो भी जल्दी करो और आंसर भी जल्दी करो।
हाँ जी बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? ओके, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू कि इनको रिवाइज करो जितना ज्यादा हो सके. एनवायरमेंट एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे. डी, फाइन, चलिए. इस राइट आंसर विल बी द सी, क्योंकि जो आपका सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है. एंड हाँ, डी विल बी द राइट आंसर. डी रहेगा आपका, क्योंकि इट्स नॉट द स्टेट एनिमल ऑफ द ओडिशा, बल्कि जो चिलिका लेक है ना, उसका एम्बेसडर उन्होंने घोषित किया था. एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर उन्होंने घोषित किया था. तो आपका डी रहेगा. इस चीज को यहाँ से करेक्ट आप लोग कर लेना. इसके बाद है, ब्लू हाइड्रोजन विल स्टोर CO2. ये सुनो, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वन. सेलेक्ट द राइट आंसर. ब्लू हाइड्रोजन विल स्टोर CO2 एंड स्प्लिट नेचुरल गैस इनटू हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन इज वेरी प्योर एंड डज नॉट एमिट एनी गैस. ग्रे हाइड्रोजन एमिट CO2 गैस. करेक्ट आंसर बताइए अभी. करेक्ट आंसर बताइए. क्या ब्लू हाइड्रोजन CO2 को स्टोर कर रही है और नेचुरल गैस को स्प्लिट कर रही है हाइड्रोजन में? और क्या ग्रीन हाइड्रोजन बहुत प्योर है, कोई गैस एमिट नहीं करती, और ग्रे हाइड्रोजन CO2 गैस को एमिट कर रही है? व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक, जल्दी डू, फास्ट डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब. डी, मोस्ट वेलकम हेमंत. डी, ओके, चलो फोकस नहीं कर रहे हो आप लोग. देखो, ग्रीन हाइड्रोजन CO2 एमिट जरूर नहीं करती. स्प्लिट वाटर इंटू हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय वाटर और विंड की फॉर्म में पानी को हाइड्रोजन में तोड़ देती है ग्रीन हाइड्रोजन, और CO2 को एमिट नहीं करती ये वाली. सो एवरीवन से डी. देखो, ग्रे हाइड्रोजन आपकी करती है CO2 को एटमोसफेयर में एमिट कर रही है, ठीक है, नेचुरल गैस को स्प्लिट कर रही है हाइड्रोजन और CO2 में, और वो रिलीज यहाँ से होती है. ब्लू हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन को तोड़ेगी और CO2 में बनेगी और CO2 को स्टोर करेगी और या फिर रीयूज करेगी. तो डी विल बी द राइट आंसर, सही रहेंगे तीनों. इसके बाद, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेयर अर्थ एलिमेंट. अंटिल 1948, इंडिया एंड ब्राजील वर वर्ल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स. स्कैंडियम इज यूज इन टेलीविजन एंड फ्लोरोसेंट लैम्प एंड येट्रियम इज यूज इन ड्रग्स टू ट्रीट रेमेटॉइड आर्थराइटिस एंड कैंसर. इनकरेक्ट बताना है आपको, गलत बताओ. इनकरेक्ट, बोलिए. यू आर सेइंग डी, ओके, फाइन. डी और बी, ठीक है, चलो. इस राइट आंसर विल बी द डी. दोनों सही रहेंगे. जो आपका येट्रियम और वो होता है वो टेलीविजन वगैरह उन्हीं में यूज होते हैं. और 1948 के बाद इंडिया ब्राजील वर्ल्ड के प्राइमरी प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ मेटल के. ये टर्बाइन, हाँ सी चंदन, सही है दोनों, लेकिन आपको गलत बताना था. फाइन, चलो, बाकी ये क्वेश्चन हम लोग फिर देख लेंगे. सो नाउ वी आर लीविंग द सेशन. आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे. एंड इसकी जो PDF रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी आइस पे मिल जाएगी. स्टडी आइस को ज्वाइन करो अभी, वहां पे आपको PDF मिलेगी. एंड हाँ जी, सो यू विल गेट ऑल द PDF देयर. गाइस, शेयरिंग भी कर दिया करो, शेयरिंग करा करो, लाइक जरूर करिए अगर अभी तक किसी ने नहीं किया, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो. फाइन, और इसके बाद कल से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं. एनवायरमेंट का आपका चैप्टर पूरा हो गया, करीबन हमने 15 लेक्चर लिया और 15 में आपके सारे पूरे हो गए. शेयर जरूर कर देना सबके साथ ताकि सबको हेल्प मिल जाए. फाइन गाइज, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी. अंकिता जिंदल सर्च करोगे, यू गॉट मी देयर. और वहां पे हमारे द्वारा कई क्लासेस और टेस्ट सीरीज चल रही है फ्री में. फ्री क्लासेस है तो कोई वरी नहीं करना, तो आप लोग ज्वाइन करोगे. ओके, चलो. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्लासेज एंड हैविंग मी हियर. एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो. फिर मिलते हैं हम
अन अकेडमी।